स्वामी विवेकानंद एक बार अमेरिका में किसी काम से गए हुए थे और वहां उनके पास एक अंग्रेज आया और उसने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा कि स्वामी जी, आपके हिंदुस्तान में माँ को सबसे ऊंचा दर्जा क्यों दिया जाता है? क्यों लोग पहले माँ को पूजते हैं और बाद में भगवान को? स्वामी विवेकानंद जी ने उसकी तरफ देख कर मुस्कुराए और उस अंग्रेज से कहा कि वहाँ पास में एक पत्थर पड़ा हुआ है, उसे उठा लो। अंग्रेज पत्थर ले आया। अब स्वामी जी ने उसे कहा कि उस पत्थर को एक कपड़े में लपेट कर अपनी कमर से बांध लो। कमर से पत्थर बांधने के बाद स्वामी जी ने उस अंग्रेज से कहा कि अब तुम जाओ और 2 घंटों के बाद आना, फिर मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि तुम अपनी कमर से इस कपड़े को खोल नहीं सकते। अंग्रेज वहां से चला जाता है, लेकिन पत्थर के वजन से उसे चलने फिरने में बहुत मुश्किलें होती है, बहुत तकलीफ हो रही होती है। और वो 1 घंटे के पहले ही स्वामी जी के पास आकर कहता है कि रहने दीजिए, मुझे आपसे कोई सवाल नहीं पूछना है और ये पत्थर मैं हटा रहा हूँ। और स्वामी जी ने अंग्रेज की तरफ मुस्कुराते हुए बोले, इसीलिए हमारे हिंदुस्तान में माँ को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया जाता है। तुम इस पत्थर को अपने कमर से 1 घंटे तक भी नहीं बांध कर रख सकते और माँ हमें पूरे 9 महीने तक अपने पेट में रखती है। बड़ी से बड़ी आंधी तूफान क्यों ना आ जाए, फिर वो हमें किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचने देती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जिंदगी में बड़ी से बड़ी मुश्किलों की घड़ी क्यों ना आ जाए, लेकिन कभी अपने माँ बाप का साथ मत छोड़ना, क्योंकि जब आप छोटे थे तब एक पल के लिए भी आपका हाथ नहीं छोड़ा था। हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।